जे ढाक लाई अज तक मोदी ते पंजाबी दे किसानी मोर्चे ने लाई है, नहीं तो मोदी हंकारिया बंदा पता कहिंदा कलर चक के मेरा फैसला किया बदल के दिखावे कोई ना बदलिया सिटिया थले जे सिट सिट सकते हैं ना तो पंजाब ही सकते हैं। इन्होंने एक बहुत तगड़ा स्टंट करता एक अपनी इमेज बनाने वास्ते कि मैनू पंजाब खतरा है, पंजाब इन्ना कमजोर हो चुका कि पंजाब प्रधानमंत्री को रस्ता नहीं मिल रहा। एक हफ्ता पहला हर एजेंसी के बंदे उस जगह पर आ जाते कि उत्थे प्रधानमंत्री ने आना, जे किसानों का कुछ अंदोलन की थोड़ी भिणक होंगी ना जिथे अग हों उ धुआं होंगी है जी, तो एजेंसियां का धुआं दूरों सुंघ लेंदियां तो ये सुंघ नहीं पाए। जब ये कहें एक किलोमीटर अगर रश लगा सी एस पी जी सिक्योरिटी है होर इन्हों एजेंसियां में कि उन्होंने पता नहीं सी कि अगे एक किलोमीटर अगे किसान खड़ रहे। हरियाणा के सू खदेड़ खदेड़ के सुटिया ठीक है, वाटर कैनन चला दिता सब कुछ कर दिता, क्या थोड़े तो इतने 150 बंदा नहीं पासे कर होया क्यों? क्योंकि एक पब्लिसिटी स्टंट खेडना सी। ज़्यादातर प्रधानमंत्री के काफले चार तो पांच गड्डियां इको जी इको नंबर दियाँ चलदियां होंदियां, उन्होंने आप सिक्योरिटी लैप्स किए हैं कि पता लगता भाई प्रधानमंत्री आ काली गड्डी चा, ये आप करो अपना नुकसान कराने निकले सी ते पंजाब नूं बदनाम करने निकले। चाहते सी कि कोई ऐसी गल होवे जिहदे नाल पंजाब दा माहौल खराब होवे, हिंदू पंजाबीयत दे दंगे होण, असी साडे पंजाब दे लोकी सियाणे सी, इस चीज़ का उन्होंने बचा किया। सिर्फ इलैक्शन टाइम तो याद आते प्रधानमंत्री जी, हर स्टेट इलैक्शन टाइम तो याद आती, उदा कोई नहीं याद आती। असी मोदी साहब को कही द्वार तो पंजाब के वाल मूँह ना करियो, क्योंकि जिस वार मूँह की खानी पई है तुहानू खाली कुर्सी का सामना करना पाया, अगली बारी शायद तुहानू रैली भी ना करन वास्ते पंजाबी अपनी जगह देन, तुसी पीएम हो पर पंजाब विल साडे वाल ना आइयो ना सानू तुहाडी लोड़ आ। लुधियाना लाइव देख रहे दर्शकों का स्वागत है, मैं ईशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 तरीक नूं पंजाब दे विच रैली सी जिहड़ी कि किसी ना किसी कारण रद्द हो चुकी, तो उसते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब तो जाते हुए एक गल आखी कि अपने मुख्यमंत्री नूं कह दियो कि मैं इत्थे तक जिंदा वापस आ सकिया, तो उस तो बाद च केंद्र गृह मंत्रालय वालों कहा गया कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के कमी से जिसके कारण प्रधानमंत्री की रैली है जो कि रद्द हो चुकी। उसते चरणजीत सिंह चन्नी का कहना सीगा कि 70,000 कुर्सियों के 700 सीटा भी नहीं भरिया जिसके कारण रैली है जी रद्द हो गई, तो इस काफ़ी जड़िया पोलीटिकल पार्टीज़ ने एक दूसरे पर तंज कसदियाँ नज़र आईया, तो लोगों ने भी बहुत गल् कही, काफ़ी वीडियोज़ भी जड़िया कि वायरल हुई, तो इस पिछे नौजवानों का की कहना है, आओ उन्हां नाल गलबात करते हैं तो जानते हैं उन्होंने इस बारे की विचार ने। सर की कहना चाहोगे जी नरेंद्र मोदी की रैली है जी रद्द हुई सी? मैम इस बारे सारी दुनिया जानकार है मैम, असी तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, सारी अपने पंजाब के मूहरे अपने पर्दा बिल्कुल साफ दिख रहा है कि किस तरह हुई सी, की स्टंट सी, किस तरह क्रिएट होया वा, तो ये मैडम असी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते अपनी सरकार के खिलाफ की, पर जिस तरह देखा जाए कि कुर्सियाँ मतलब अपन सगिया लगभग 7,000 सॉरी तो 70,000 सॉरी तो बंदे अपने बिल्कुल ही, एक तो मौसम भी इदा का सगा चलो भी उन्होंने एडवांटेज मिल गया, उस तो बाद अपने बंदे देखा जाए पब्लिक भी बहुत रिस्पोंस घट सगा, तो उल्टा इन्होंने दूजी पार्टियां ते क्या सिक्योरिटी का इल्ज़ाम लाया कि ताडे वालों सिक्योरिटी नहीं सही सी, इदा नहीं सी, उदा नहीं सी, तो इस बारे बिल्कुल ये है नहीं जी मोदी साहब का इत्थे आना अपने इस पंजाब दे विच इन्हां नूं कोई लाइक नहीं करता जी। सर तुहाडा की कहना, कई वीडियोज़ भी वायरल हुई ने उन्हों लैके? मैडम मैं ये कहना चाहना कि मोदी साहब किस मूँह ना पंजाब जाना चाहते ने, इन्हां नूं पूरा एक साल साढ़े किसान भरा नहीं दिखे, जिन्हां दे बच्चे शहीद होए, जिन्हां दे पुत मरे, जिन्हां दे बजुर्ग गए, कि वो इन्हां नूं अपने घर आन देणगे? ये तो इल्ज़ाम ला रहे ने साडियां सरकारां ते लोकल सरकारां ते, पर इन्हां नूं समझ नहीं आउंदी एक प्लैन है पंजाब नूं बदनाम करन दा, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि पंजाब एक किते ना किते उपर मीडिया च जां हिंदुस्तान लैवल ते वर्ल्ड लैवल ते पंजाब नूं अतवादी स्टेट घोषित करना चाहते हैं। इन्होंने एक बहुत तगड़ा स्टंट करता एक अपनी इमेज बनाने वास्ते कि मैनू पंजाब खतरा है, पंजाब इन्ना कमजोर हो चुका कि पंजाब प्रधानमंत्री नूं रस्ता नहीं मिल रहा, इन्होंने प्लैन नाल किया, क्योंकि रैली को इन्हें तो कट नहीं होना सी, नहीं प्लैनिंग सी कि मोदी का काफिला रोकना तो बाद चु बदनामी करनी पूरे पंजाब की वर्ल्ड लैवल से हिंदुस्तान लैवल से कि पंजाब उग्रवाद दोबारा आ रहा कि किते बाहरला कोई व्यापारी पंजाब च ना, ये पंजाब नूं कमजोर करने की राजनीति। कारण की लगता तुहानूं कि पंजाब नाल इदां क्यों हो रहा वा? पंजाब दे नाल नहीं, तुसीं बेसिक जी गल देखो,
हमने रैली सी जदों तो मोदी साहब की रैली ची उन्हां दी पार्टी के समर्थक काली रंग की फॉर्चूनर उन्हां दे नाल उत्थे बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहे थे क्या वो सिक्योरिटी लैप्स नहीं है तो जदों गल हुंदी है बनारस दे विच शायद बहुत ज़्यादा वीडियो ट्रेंड हुई सी बिल्कुल भीड़ी जी गली जो गड्डी निकलती भी है एल सी सी मोदी साहब लैंड क्रूजर उत्थे फुल बरसाए जाते हैं उत्थे उतर के उन्होंने पगड़ी पाई जाती है क्या वो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है क्या वो सिक्योरिटी लैप्स नहीं है सब तो वड्डियां गल्लां ने यार जे तुसी एडे वड्डे नेता हो तुसी 45,000 करोड़ रुपए की अलैजड है कि हाँ भी घोषणावां करनियां सीगियां जे तुसी वड्डे दिल दे हो ना वड्डे दिल दे बन के आओ थोनू देता ना नहीं आउण दिता लोकां ने लोकमत नहीं मिलिया तुसी उस चीज़ नू साबित करो आप वड्डे बनो क्योंकि वड्डा कौन है जदों विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पोंसीबिलिटी ये अज दी नहीं बहुत पुरानी गल कही जाती है थोड़े कोल शक्ति है तुसी उस शक्ति नू एक रिस्पोंसीबली आओ तुसी नहीं करना 45,000 करोड़ की ना करो यार 20-25,000 करोड़ की जिहड़ी बनती है वो एक सूबे नू दे के तां जा सकदे हो फिर तीजी गल सेंटर मिनिस्ट्री का आने का मतलब ही नहीं बनता स्टेट इलैक्शन दे विच आपां की इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं मोदी साहब ने आके स्टेट नू नहीं रन करना नीदर केजरीवाल इज़ गोइंग टू कम और रन द स्टेट स्टेट नू रन करना है भावें मैं कहां राहुल गांधी ने भी स्टेट नू आके रन नहीं करना कोई भी स्टेट है उन्हें स्टेट के रिप्रजेंटेटिव ने रन करना आप नैशनल लैवल दे फेस दे उपर किद्दां लड़ सकते हैं पहली गल आम आदमी पार्टी वाले लड़ा रहे ने आप दे उदे ठीक है फेस ते केजरीवाल जी दे फिर उद्दू बाद अपना की नाम है मोदी दे फेस ते बीजेपी दे फेस ते लड़े जा रहे हैं इलैक्शन ऑटोक्रेसी आ गई इलैक्ट्रोक्रेसी हो गई लोकल कोई किसी का वजूद नहीं है मतलब जो है सिर्फ सेंटर दे विच बटा ते फाई फिर डिक्टेटरशिप कर दो तुसी देश दे विच लागू गल खत्म है। मैं एक चीज़ पूछना चाहना मोदी साहब साडे किसान मावां भैणां भरा बजुर्ग बच्चे 15 महीने उत्थे बैठे वो नहीं दिखे 15 मिनट का लैब दिखता 15 मिनट खड़ना पैगा मौत पैगी किसे नहीं जाता तू सब तो वड्डी गल इह तुहानू शर्म का मूँह लैके तुसीं आए सीगे तुहानू पंजाब दी जिहड़ी पब्लिक आ साडे शहरां दी साडे पिंडां दी ने तुहानू मूँह तोड़ जवाब दिता कि साडा जमीर हले जिंदा वा असी पंजाबीयत जिंदा वा साडी गुरुआं पीरां दी धरती आ गुरु गोबिंद सिंह जी दी धरती आ इत्थे मुगलां दा राज नहीं रहण दिता तुहाडा असी आने वाले 2 सालां बाद राज खत्म होने वाला मोदी साहब तुहानू असी इह पंजाब चों ऐलान करके तोरे इस वार। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना सीगा कि जिहड़ी सेफ्टी आ उहदे प्रबंध नहीं सीगे प्रधानमंत्री दी ते उत्थे ही चरणजीत सिंह चन्नी का कहना सीगा कि 70,000 कुर्सियां सीगे उच्चों 700 बंदा भी नहीं पहुंचिया कारण मैं इहदा जवाब दिंदा एक मिनट पहला जी 10,000 पुलिस मुलाजम पूरे पंजाब दी अपने अपने थाने छड अपनी कुर्सियां छड उत्थे उहदी सुरक्षा च गए जदों 70,000 कुर्सी लगे ना जिवें असी भी कोई सियासी पार्टी की रैली करते 500 कुर्सी लाने कोशिश करते 1500 बंदा बिठाइए 1500 बंदा होवे उत्थे 70,000 कुर्सी वाला कोशिश करता कोई 1.25 लाख बंदा होवे पर जदों पंजाब दी पंजाबीयत ने जवाब दिता उदों इन्हां नूं मूँह तोड़ दी खाणी पी 700 बंदा मैं तां हैरान हाँ कैप्टन सरकार दे उत्ते कैप्टन दे बंदे दे उत्ते जिहड़ा खाली कुर्सी नूं भाषण देई जांदे जदों पंजाब नूं लोड़ सीगी उदों कित्थे सीगा उह जदों सानू पंजाबीयत कांग्रेस बंदे नू आवाजा मारदी साडे कोल आ साडी सुनवाई कर उदों दिखदा नहीं जे खाली कुर्सियां नू भाषण देना बड़ा सौखा रहा उहनू आप नू भी शर्म आनी चाहिए जदों किते तू किसानी दे हक च खड़ रहा सीगा किसानी तैनू वादा कर रहे सीगा असीं तेरे नाल आ पर तू जाके धोखा दे के पिट च छुरा मार के बीजेपी च रल गया उहनू भी नहीं शर्म आई तू पंजाब दा राजा रहा वा कैप्टन सर कैप्टन ने कैप्टन नू कैप्टन एक बहुत वड्डी पावर हुंदी है जी फौज विच भी हर जगह भी अगला कैप्टन दा मतलब भरोसा साडा भरोसा ही तोड़ के चला गया जे तेनू कांग्रेस पार्टी ने पिछे किया सीगा तेरी नलैकियाकरण किया सीगा जे तू अपनी नलैकियाकरण पिछे होया तो बीजेपी धोखा दे जूगा अज जिहड़ी केजरीवाल की गल है जी केजरीवाल रोना पा रहे जी असी बड़े ईमानदार ईमानदार हाँ तू बंदे कितों कट्ठे कर रहे तेरे 117 आम आदमी के कैंडिडेट नहीं कट्ठे हो रहे जां बीजेपी तो लै रहे जी जां आम आदमी तो जां कांग्रेस तो लै रहे वे जी जां बीजेपी उत्तों लै रहे वा अकाली दल तो अपने बंदे कितने आ कैप्टन का एक होर कैप्टन का बयान आया सीगा कि पंजाब दे विच राष्ट्रपति राजा लागू कर दिता जाए मैम कोड ऑफ कंडक्ट लग गया राष्ट्रपति राज नूं की रह गया मैंने एक सिंपल जी गल का जवाब दे जो सरकार की कारगुजारी खत्म हो गई सरकार हुण लोकां ने फिर एक नवा लोकमत चुनना वा 14 तरीक नूं ठीक है एक मेरी हर एक बंदे नूं हंबल रिक्वेस्ट है 14 तरीक वैलेंटाइनस डे है अजकल अपने वैसे ही चलन बहुत चल गया होया तो तुसी ए वाला जिहड़ा अपना वैलेंटाइन है ना ये वैलेंटाइन तुसी अपना 5 साल लई चुनना है तो बड़ा सोच समझ के सहज सबेसो मीठा लग गए वो वाले काम नाल करियो ऐतकी ताकि ये ना होवे फिर अपने मत्थे ते हथ मारदे फिरो कि हाँ भी फिर साडे पंजाब दा कुछ नहीं बनिया जिसनू भी वोट पाओ सोच समझ के पाओ नहीं तां
एक अपने क्लीयर माइंड लेके जाओ, जो नोटा पाओ खत्म करो। जिथे भी बीजेपी की रैली होंगी, जिथे भी बीजेपी की कोई मीटिंग होंगी, उत्थे ही जो कोई इकट्ठ हों, नारेबाजी होंगी, तो किसानों का नाम ला दिता जाता। तो इतने भी यही चीज़ हुई कि किसान खड़े से। मैम किसान देखो, जो तुम वीडियोज़ भी प्रॉपरली सर्च करोगे तो 200 बंदे का इकट्ठ होना किसानों का, ठीक है। वो जबकि खड़े से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर दूर, तो रेंदी खूंदी कसर जी हुई है। बीजेपी के सपोर्टर उत्थे आ के खड़े हुए सी, मीयरली 50 मीटर भी नहीं, 30 मीटर होना सिर्फ पुल के दूजे पासे आके खड़े हुए हैं। क्या वो सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? फिर तीजी गल, प्रधानमंत्री साहब ने हैलीकॉप्टर से आना सीगा, ठीक है। हैलीकॉप्टर तो चलो आप कहने मौसम खराब, पहली गल जनरल बिपिन रावत का हुने होया कि वड्डा लैप्स, कि वड्डा लॉस है साडे देश नूं, ठीक है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2 घंटे का सड़क का सफ़र किस बिहाव से पार किया गया, सैनिटाइजेशन रोड की नहीं की गई, तो उस तो बाद सिर्फ क्या सीगा, सिर्फ एक हर कोई भी बंदा वै सिर्फ एक पब्लिकिटी स्टंट खेडिया गया। उस तो बाद जेडे साडे मेन मुद्दे ने, सानू एजुकेशन वधिया चाहिए है, उदे उपर निल वटे सन्नाटा काम है। सानू हैल्थ सिस्टम वधिया चाहिए, उदे उपर कोई काम नहीं हो रहा, तो असी किदे मूरे गुहार लाइए, एक आम पब्लिक किदे मूरे जाके गुहार लगावे। यही साडा सवाल है सारी पार्टियां, A to Z, एक हर एक बंदे। सर लोग बार बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री है वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री है, जो उन्होंने किसी पार्टी के नाल ना जोड़िया जाए, सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ध्यान पंजाब सरकार नूं नहीं रखना चाहिए सी। तुहाडे सवाल दे विच ही तुहाडा जवाब भी है, जे तुसी ध्यान नाल अपना सवाल पूछो। तुसी क्या प्रधानमंत्री नूं किसी पार्टी के नाल लिंक किया जाए, फिर प्रधानमंत्री स्टेट के इलैक्शन दे विच क्यों आउंदे ने, प्रचार दे टाइम ही क्यों आउंदे ने? जो महाराज जी तो एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर हुई अज तक, ठीक है। झूठ तो झूठ, जिहड़े बीजेपी के कई बार बैनर भी बनते हैं, आम जनता की फोटो चक के लगा दी जाती है, की वजूद है जी उस चीज़ का? सिर्फ इलैक्शन टाइम तो याद आते प्रधानमंत्री जी, हर स्टेट इलैक्शन टाइम तो याद आती, उदा कोई नहीं याद आती। कितने लाइब्रेरी खोल दो, कितने जाके कोई काम करा दो, हॉस्पिटल्स खुलवा दो ना। MP दे विच इस वेले 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, MP दे 2000 करोड़ का स्टैचू बना लगे जी MP च हुण, ठीक है। यही 2000 करोड़ आप, ठीक है यार, एक जरूरी है कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होन समथिंग, बट तुसी उस टूरिस्ट अट्रैक्शन नूं क्या तुसी मेक इन इंडिया कर रहे हो, अपने देश दे विच बना रहे हो? नहीं, साडे विच उदां सी कहिंदे सी अपना देश बनाउणा सरजना, बट कोई असी काम नहीं करदे उहनूं लै के, ठीक है। अज असी बाहर भज्जन नूं तैयार हाँ, अपने देश दे विच किरत करके राजी नहीं, ठीक है। उत्थे जाके पोचे भी मार लाँगे कैनेडा दे विच, ठीक है, फ्लशिज भी साफ कर लाँगे, बट इत्थे असी अपना काम कारगुजारी करके राजी नहीं। इत्थे सानूं चाहीदा कि हाँ भी लैविश लाइफ स्टाइल, इत्थे असी लोग भी कितना कितने गलत हाँ, सानू आत्म चिंतन करना पड़ना, तो आप नहीं उठांगे तो तद तक कुछ नहीं होना। सर भाजपा के कुछ वर्करा वालों जिड़ी कि सिक्योरिटी के कमी दसी जा रही है, उन्होंने पाकिस्तान के नाल भी जोड़िया जा रहा है। मैडम मैं जी मोदी सरकार की गल करा, जद की यह सरकार बनी है, मोदी सरकार शुरू तो लैके हूँ तक इन्हों को 2-3 मुद्दे है, मुसलमान हिंदू पाकिस्तान, ये उस पाकिस्तान को डराने की गल करते हैं जिन्हों असी लाहौर तक जाके मारिया हो, उन्होंने असी क्यों डरा, जिन्होंने असी घर जाके मारे है उन्होंने असं डराई जाने, वो तो लड़ते ही नहीं, वो पहले डरिया मारिया हो, हराया दो जंगा ची, ठीक है। एक तुम गल की राष्ट्रपति शासन की, कैप्टन साहब कहते राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, वो ता लगवा चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पता जिन्हें सारी उम्र सत्ता भोगी हो, जिन्हों ताकत का सुख हो, बिना ताकत तो रह नहीं सकता, कैप्टन साहब के हथों ताकत चल गई, वो चाहते हैं किसी तरीके राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो पंजाब राष्ट्रपति शासन लगन नाल मोदी तो BJP का राज तकड़ा हो जूगा। वो चाहते हैं कि उस मैं BJP नाल रलिया होया, उस टाइम मेरिया चमदियाँ चलन गिया, तो असी अपनी परसनल जड़िया रंजिशा वो लोगों नाल कढ़ांगे। तो हुण तां कैप्टन साहब साडे मंत्रियों भी करप्ट कह रहे हैं, ठीक है, कहिंदे मैं फाइलां ED नूं देनियां, वह देनियां। कैप्टन साहब अपनियां फाइलां ED तो बचाने वास्ते BJP च शामिल होए आ, रणेंद्र जी दीआं फाइलां ED च सीगियां, उन्हां ने अपनी सारी उम्र के पाप धोले, अपना परिवार सुखी कर लिया कि हुण सानूं कोई ED नहीं कुछ कह सकती, हुण तां ही दुध नाल नहा लिया, असीं BJP ज्वाइन कर ली। इन्हां दी इक साजिश है कि पंजाब नूं बदनाम करना, पंजाब नूं कमजोर करना, पंजाब नूं एक आतंकवादी स्टेट घोषित करना, ये बाहरले मुल्कां च वी साडी की इमेज इही बना रहे आ। बाकी रही नहीं रैली की गल, रैली एक करन आई नहीं सीगे, एक स्टंट प्लैन स्टंट सीगा, जद ये कहिंदे 1 किलोमीटर अगे रश लगा सी, SPG सिक्योरिटी है होर इन्हां दी एजेंसियां मैं कि उन्होंने पता नहीं सी कि अगे 1 किलोमीटर अगे किसान खड़ रहे हैं। मैं जवाब दिना जी, जदों भी प्रधानमंत्री आंदा ना, 1 हफ्ता पहला हर एजेंसी के बंदे उस जगह पर आ जाते कि उत्थे प्रधानमंत्री ने आना। जे जे किसानों का कुछ अंदोलन की खोड़ी भिणक होंगी ना, जिथे अग हों उ धुआं होंगी है जी, तो एजेंसियां का धुआं दूरों सूंघ लेंदियां, तो ये सूंघ नहीं पाए, मतलब अपनी एजेंसियां कमी है ना जी, रॉ एजेंसी कमी हो सकती है, SG जी भी है उन्होंने कमी हो सकती है, मतलब कि
एक स्टंट सीगा, ये एक पंजाब नूं बदनाम करना चाहते क्योंकि पंजाब ने संताप हो गया वा अतवाद का। अजकल का यूथ जो साढ़े वर्गा यूथ सियाणा हो चुका वा, अजकल का यूथ कहिंदा सी ये चीज़ नहीं चाहते, असी चाहते हैं, असी पांच चीज़ा चाहते हैं यूथ, एजुकेशन, हैल्थ, इनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, तो सब तो जरूरी जिहड़ा हैगा वा हैल्थ, नशा तो दूरी। सानू आ प्रोवाइड कराओ, सानू स्टंट नहीं चाहिए, सानू कुछ नहीं चाहिए, सानू सिर्फ आ पांच चीज़ा चाहिए। मोदी साहब तुहाडे कोलों जद तुसी आए हो 2014 तो तुहाडे तो आ पांच चीज़ा नहीं प्रोवाइड हो सकियां, तुसी सानू फ्री फंड दे जिहड़ी चार पांच गिफ्ट दिते, मैं तुहानू वी गिनाना चाहुंदा, शायद तुहाडे कन्नां दे विच इह गल पहुँच जावे। सब तो पहला तुसी सानू दित्ती नोटबंदी, बड़े खुशी खुशी जाके तुसी सानू बोल दिता कि नोटबंदी हो गई जी, 8 बजे तो बाद तुहाडा बेड़ा गर्क आ करके। फिर तुसी आ गए जी गब्बर टैक्स लै लो, व्यापारिया मार दो, पहला नोटबंदी ना मारते, दूजे गब्बर टैक्स ना मारते। सब तो तीजा जिहड़ा तुसी साडे लेबर और एक पॉवर्टी लाइन तो थले वाले बंदे ने उन्हां दी जिहड़ी मौत की अनप्लैंड लॉकडाउन ला के, लॉकडाउन लाना सीगा जदों पीक सीगा हाइट ते करोना उदों लांदे, जदों दुनिया च केस पंजाब दे विच हिंदुस्तान दे विच केस कुछ गिनती दे सीगे उदों तुसी लॉकडाउन लाता, जदों लखां दे तादाद ते उत्ते केस आ रहे सीगे उदों तुहाडा लॉकडाउन कितें नहीं गया, उदों तुसी लॉकडाउन वास्ते उदों तुसी खोली जांदे सी सारा कुछ, आ कोई ये अनप्लैंड सीगा। हज़ारां बंदे, हज़ारां लेडीज़, मैं तुहानूं एक इंसीडेंट सुनावां जी, मद्रास तों गर्भवती एक लड़की बिहार जा रही सीगी, राह दे विच उहनें बच्चे नूं जन्म दित्ता, बिहार पैदल पहुँचते वह बच्चा 21 दिनों का हो चुका होया सीगा, ते भुखी पानी वो जा रही सी कि राज मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद विच कुछ खाण नूं मिलदा सीगा ते उत्थों खा के जांदी सी। मोदी साहब नूं इह चीज़ की शर्म नहीं आती, एक बच्चा सड़क ते पैदा होकर 21 दिनों बाद घर पहुँच रहा वा, अनप्लैंड लॉकडाउन, सानू आ तीन चीज़ा जिहड़ी तुसी दित्तियां वा, सानू इह चीज़ दा साडा घात कर दिता तुसी, सानू आ नहीं चाहिए, जिहड़े सानू पांच चीज़ा चाहीदियां सानू वह प्रोवाइड करो, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਚਰਨ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀ ਗੰਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੱਜ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਉ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਖਿਲਰ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਬਾਹਰ। ਸਰ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧੁੱਪਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੇਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਆਪ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੋ ਟੱਪੇ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫੈਕਟ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 90 ਕਰੋੜ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 49 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ 2020 ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, 110 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 42 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ? ਮੈਡਮ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ, ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਥ ਹੈ, ਯੂਥ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਥ ਲਾਈਕ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਣ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੇ 700-800 ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਜੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਸਾਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਿੰਘੂ ਬੋਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ। ਖੋਰ ਚੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੱਭਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੇ? ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਛੀ ਚਲਿੱਦਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਸ ਆਏ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਸ ਆਏ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਭ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਇਸਾਈ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ 'ਚ ਲੜਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਖੂਨ ਆ। ਜੇ ਢਾਕ ਲਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰਿਆ ਬੰਦਾ, ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਜਣਾ, ਬਦਲਿਆ ਸਿੱਟਿਆ ਥੱਲੇ, ਜੇ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਖੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਯੋਗ ਆ, ਪਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਯੈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗਾਲਾ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੇਚੀ ਆ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਵੇਚੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਵਰਡ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਸਨਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ,
रावण तो वड्डा ज्ञानी दुनिया दे कोई नहीं होया। प्रधानमंत्री तो अपनी रैली जी उन्होंने रद्द हो चुकी है, वो तो वापस चले गए, लेकिन हम चन्नी सरकार है जी उत्ते काफ़ी ज़्यादा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। किस गल दे इल्जाम जी? प्रधानमंत्री की रैली रद्द हो गई, वो तो वापस चले गए हैं, लेकिन हम चन्नी सरकार से काफ़ी ज़्यादा सवाल चके जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां ने जी विरोधी पार्टियां वो भी काफ़ी सवाल चक रहे हैं, काफ़ी लोग भी ने जो उन्होंने खिलाफ आवाज़ उठा रहे। एक चीज पूछना चाहूँगा जी, बिजली के बिल माफ होए? अज तक हिंदुस्तान के इतिहास में करोड़ों रुपए के बिजली के बिल माफ होए या नहीं होए? डीजल के रेट कटे, पानी के बिल माफ होए, लाल लकीर की जड़िया रजिस्ट्रियां सगिया। मैं एक मिनट उसी का जवाब दे रहा है, लाल लकीर रजिस्ट्रियां वाल हो रही जी, हो रहा बंदा की काम कर ले, जिन्हें काम वो कर सकता सी जल्दी तो जल्दी, उन्होंने बहुत थोड़ा टाइम मिले। उन्होंने ट्रोल जो किया जा रहा है इस टाइम पर, ट्रोलिंग हो रही है उन्होंने पूरी, कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं वो कर सके तो होर की करेंगे? मैडम सुरक्षा प्रधानमंत्री जी पहली गल है ना जी, एस पी जी का काम है, वो सेंट्रल एजेंसियों का काम है। दूजी गल फिर उही गल है, बिना सैनिटाइजेशन तो रोड के उपर आन क्यों दिता गया? उपर पी एम लैवल के बंदे ने, ठीक है, देश के एक तरह कह लो मालिक ने, असं कह दें, वो किस ग्राउंड्स के उपर दो घंटे रोड के उपर निकले बठिंडा एयरपोर्ट तो फिरोजपुर तक, किस ग्राउंड के, जबकि उन्होंने हैलीकॉप्टर दे आना सीगा। एक पुल का एक पासे बीजेपी वाले उन्होंने समर्थक करते पे आ, एक किलोमीटर दूर किसान किसानी समर्थक खड़ते पे आ। मैं गलत हो सकता, हरियाणा सानू खदेड़ खदेड़ के सुटिया, ठीक है, वाटर कैनन चला दिता, सब कुछ कर दिता, क्या थोड़े तो इतने 150 बंदा नहीं पासे कर होया? क्यों? क्योंकि एक पब्लिसिटी स्टंट खेडना सीगा जी सब तो वड्डी। शायद मैं गलत हो सकता, पर मैं अगे कदे देखिया नहीं किसी सीएम या पीएम का काफिला जिन्हें एक गड्डी इको जी हो। ज़्यादातर प्रधानमंत्री के काफले चार तो पांच गड्डियां इको जी इको नंबर दी चलदी होंगे, उन्होंने आप सिक्योरिटी लैप्स किए हैं कि पता लगता भाई प्रधानमंत्री आ काली गड्डी चा, पता नहीं लगना चाहिए प्रधानमंत्री कहड़ी गड्डी चा, ये इन्हों की बहुत बड़ी नलैकी है, ये आप करो अपना नुकसान कराने निकले से पंजाब बदनाम चाहते थे कि कोई ऐसी गल हो जिद ना पंजाब का माहौल खराब हो, हिंदू पंजाबीयत के दंगे होन, असी साडे पंजाब के लोग सियाने सी, इस चीज़ का उन्होंने बचा किया। बथेरे पुत्र मर गए, बथेरे घरवालिया के पति उजड़ गए, घर घर उजड़ गए, मावां के घर उजड़ गए, असी होर नहीं उजड़न देने मुकरी दे, इसी चीज़ कारण पंजाबीयत दा पंजाब दी निशान उत्ते आ। असी मोदी साहब नूं कहीए द्वार तो पंजाब दे वल मूंह ना करियो, क्योंकि जिस वार मूँह की खानी पई है तुहानूं खाली कुर्सी दा सामना करना पिया, अगली वारी शायद तुहानूं रैली भी ना करन वास्ते पंजाबीयत अपनी जगह देन, इस चीज़ का ध्यान रखे। साडे जे हिंदुस्तान दे विच तुसीं पीएम हो, पर पंजाब विल साडे वल ना आइयो, ना सानूं तुहाडी लोड़ आ। पंजाब पंजाबी पंजाबीयत जिंदाबाद, अपनी माँ बोली नूं ना भुल्लो, ये सारियां नूं इक हाथ बन के बेनती है जी सारियां नूं। सर एक बार आखिरी बार पूछना चाहूँगी कि तुम्हें तो लगता है कि इतने पर जोड़े साढ़े मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी से, चन्नी जी ने उन्होंने कोई गलती सी? मैम देखो गलती ये हुई पी है, इस वेले आ बॉल है, फुटबॉल हैंडबॉल है, आ तू रख आ मैं रख, आ तू रख आ मैं रख, ये मूर्ख बनते पे हैं असी सारे आप। तो जागो, उठो, अपने आप न आत्म चिंतन करके ऐतकी अपना वैलेंटाइन चूज करो, क्योंकि 5 साल का वैलेंटाइन है थोड़ा, 5 साल का प्यार मिलना, हाँ 5 साल का प्यार मिलना कि 76 मिलना, तुसी डिसाइड करना हुण की लैना। सो ये सन साडे नाल नौजवान कुछ जिन्हां ने अपने अपने विचार रखे, जिहड़ी कि 5 तरीक नूं प्रधानमंत्री की रैली कैंसल हुई सी, रैली रद्द हुई सी, उसनूं लैके इन्हां दे विचार ये सीगे कि सारी रची रचाई षड्यंत्र सीगा जिहड़ा कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया सीगा, पंजाब नूं बदनाम करन की कोशिश की गई सी, जिन्हां वल्लों कहा जा रहा है कि जिहड़े भाजपा वल्लों कांग्रेस नूं बदनाम करन की कोशिश की गई सी, ते इन्हां वल्लों सीधी चेतावनी है जिहड़ी कि प्रधानमंत्री नूं दित्ती गई है कि अगे तो पंजाब दे विच रैली करन दी सोचन भी ना, हुण तां खाली कुर्सियां वेखण नूं मिलियां आ, की पता अगे तो पंजाबी ने जिहड़े रैली करन लई तुहानूं जगह तक ना दे। कैमरामैन राहुल कश्यप दे नाल मैं ईशा, लुधियाणा लाइव।